तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इस तरह का ग्रीन स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं और उसको किस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ग्रीन स्क्रीन को इस तरह से सेट करना है कि इसमें कोई सिलवट ना रहे। तो बैकग्राउंड चेंज करना मतलब ये बैकग्राउंड चेंज करना नहीं होगा बिल्कुल भी। बैकग्राउंड चेंज करना मतलब ये होगा कि अभी दोनों में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। जो ये वाला बैकग्राउंड है मेरा, इसमें लाइटिंग कंडीशन सेम नहीं है और ना इसमें मेरी कैमरा पोजीशन सेम है, ना इसके जो इन्वायरमेंट से है मेरी कलर टोन भी मैच नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं इसको इस वाले बैकग्राउंड को लगाऊंगा। तो अब ये वाला बैकग्राउंड जो है मेरी लाइटिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट मैच है और मेरे कैमरा पोजीशन के हिसाब से भी मैच है। और दूसरी बात, जो इस बैकग्राउंड का जो कलर टोन है वो मेरे कलर टोन से एकदम मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एडिटिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से या कितने रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि आप पीछे कुछ भी चिपका दो, उसको एडिटिंग नहीं बोलते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, लेकिन भाई इन सब चीजों का एक VFX आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। भाई क्योंकि मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ तो मुझे इन सब चीजों का बहुत अच्छे से पता है और मैं इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। आपको जब भी अपना बैकग्राउंड चेंज करना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइटिंग कंडीशन और कलर टोन और कैमरा पोजिशन सेम होनी चाहिए अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, तो आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। और देखो, कभी भी ना आप इस तरह से दो लाइटों को जब आप ग्रीन स्क्रीन पर शूट करो तो कभी भी इस तरह से आप दो लाइटों को इस तरह से सेट नहीं करना है। तो आपकी शेडो जो है इस तरह से क्रॉस करेंगी और जो क्रॉस करेंगी जहां पर वहां पर बहुत ज्यादा डार्क शेडो बनेगी और जिस जो डार्क शेडो बनेगी आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे कभी भी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी हमारे लिए उसे रिमूव करना। और अपनी लाइट्स को हमेशा इसी तरीके से यूज करना है जिस तरह का आप बैकग्राउंड चेंज करने वाले हो, उसी तरीके की आपको शूटिंग लाइट्स यूज करनी है। और आपने देखा होगा कि आप कभी मूवीज की शूटिंग देखोगे, उनपे उनके ग्रीन स्क्रीन पे ऐसे प्लस के निशान होते हैं, इस तरह के प्लस के निशान दिखाई देते हैं जगह जगह पर ग्रीन स्क्रीन पर चिपके होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो एक्चुअल में 3D कैमरा ट्रैकिंग के लिए होते हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास तो आफ्टर इफेक्ट्स है नहीं ना। हम फोन से शूट करते हैं और फोन से एडिट करते हैं। आप अगर फोन से एडिट करते हैं तो आपको लाइटिंग ज्यादा चाहिएगी क्योंकि कैमरे का सेंसर छोटा होता है तो वो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर नहीं पाता है, इसलिए आपको लाइटिंग थोड़ी ज्यादा रखनी है। अगर आप DSLR या कैमरा किसी अदर कैमरे से शूट कर रहे हो तो आपको नॉर्मल लाइटिंग भी चल जाएगी। अगर ऐसे ही आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।